हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांस स्टार्टर्स में। और यार आज की इस वीडियो में हम साउथ इंडियन स्टार एक्ट्रेस रावीन चावला की एज एन एक्ट्रेस रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एज एन एक्ट्रेस रावीन चावला की डेब्यू मूवी थी परमेशा पनवाला। ये कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कितनी मूवीज में काम किया है और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक उनका सक्सेस रेशो क्या है, ये तमाम डिटेल आज इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। महेश बाबू की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी परमेशा पनवाला, ये एज एन एक्ट्रेस रावीन चावला की डेब्यू मूवी थी और इस फिल्म में उनका साथ दिया था शिवा राजकुमार ने। यह फिल्म 5 दिसंबर 2008 को रिलीज हुई थी। कन्नड़ लैंग्वेज की एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह एवरेज मूवी साबित हुई। शंकरनाथ दुर्गा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी राजू महाराजू, फिल्म की लीड कास्ट में मोहन बाबू, शर्वानंद, रावीन चावला, रमिया कृष्णन शामिल थे। यह फिल्म 19 जून 2009 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.8 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह एक हिट फिल्म साबित हुई। सागर बलारी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हम तुम शवाना, फिल्म की लीड कास्ट में तुषार कपूर, श्रियाश तालपड़े, मानिशा लांबा और रावीन चावला शामिल थे। यह फिल्म 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। हम तुम शवाना एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 3.5 स्टार दिए गए थे। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1,41,00,000 के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 1,92,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। श्रद्धा रामानाथन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पुथिया थिरुपनगल, फिल्म की लीड कास्ट में नंदा, सरवीन चावला और अंदिरा जेरीमिया शामिल थे। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। तमिल लैंग्वेज की एक थ्रिल मूवी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2013 में रिलीज होने वाली अजय देवगन स्टारर मूवी हिम्मत वाला, इस फिल्म के एक सॉन्ग में सरवीन चावला ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। वसान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मुंद्रू पर मुंद्रू कधाल, फिल्म की लीड कास्ट में अर्जुन, चिरन, विमल और सरवीन चावला शामिल थे। ये फिल्म 1 मई 2013 को रिलीज हुई थी। तमिल लैंग्वेज की एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.8 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह एक हिट फिल्म साबित हुई। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अगली, फिल्म की लीड कास्ट में राहुल भट्ट, रोनित रॉय, ग्रेश कुलकर्णी, सिद्धार्थ कपूर, सरवीन चावला शामिल थे और यह फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। अगली एक मिस्ट्री क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.8 स्टार दिए गए थे। 6,50,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 6,23,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 8,34,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर अगली एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अर्जुन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अभिमन्यु, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, तमिल तेलुगु लैंग्वेज में इसे जय हिंद 2 के नाम से रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में अर्जुन, रवीन चावला, राहुल देव और सिमरन कपूर शामिल थे। ये फिल्म 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। तमिल तेलुगु कन्नड़ लैंग्वेज की एक एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.9 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया। विशाल पांडे की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हेड स्टोरी 2, फिल्म की लीड कास्ट में सुशांत सिंह, सरवीन चावला, जिया बनोशाली और सिद्धार्थ खेर शामिल थे। यह फिल्म 18 जुलाई 2014 को रिलीज हुई थी। हेड स्टोरी 2 एक ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.4 स्टार दिए गए थे। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 22,90,00,000 के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 31,07,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। लीना यादव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी परचित, फिल्म की लीड कास्ट में रवीन चावला, राधिका आप्टे, आदिल हुसैन और तनिष्ठा चटर्जी शामिल थे। यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। परचित एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.5 स्टार दिए गए थे। 24 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1,43,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 12,03,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। 2014 को रिलीज होने वाली हिंदी लैंग्वेज की मूवी क्रिएचर 3D, इस फिल्म के एक सॉन्ग में सरवीन चावला ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 2015 में रिलीज होने वाली जॉन अब्राहम स्टारर मूवी वेलकम बैक, इस फिल्म के भी एक सॉन्ग में सरवीन चावला ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। केन घोष की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज हद से, इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में रावीन चावला और पारुल गुलाटी शामिल थे। ये वेब सीरीज 2 फरवरी 2018 को आल बालाजी के थ्रू डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। हार्दिक मेहता की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज डी कपलेट, इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में आर माधवन और रावीन चावला शामिल थे और ये वेब सीरीज 17 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी।
तो व्यूअर सरवीन चावला अपने कंप्लीट करियर में 14 मूवीज या वेब सीरीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से 11 मूवीज या वेब सीरीज का वो मेन हिस्सा थी। इनमें से उनकी एक मूवी ब्लॉकबस्टर, 2 मूवीज हिट, 2 एवरेज, 2 फ्लॉप और 2 डिजास्टर रही। 3 मूवीज में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए और 2 वेब सीरीज उनकी डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो इस हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सरवीन चावला का सक्सेस रेशो बनता है 55.56%। तो व्यूअर्स, ये थी सरवीन चावला की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस सरवीन चावला की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, इतना हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।